तो आज थोड़ी सी परेशानी की जो बात है वो है भी मतलब हमारे बीच में, जैसा कि आप शायद अभी आप लोगों को भी शाम तक कुछ बच्चों को पता चले, कुछ बच्चों को रात तक कुछ बात पता चले, ठीक है। एक छोटी सी दुखद मतलब दुखद समाचार कह लीजिए, न्यूज कह लीजिए, एक बहुत ही निंदनीय बात है मेरे भाई मेरे लिए और आप सभी के लिए भी। आपने अभी मणिपुर का केस सुना होगा कि किस तरीके से जो है अभी काफी वीडियोज वायरल हो रहे हैं। अभी पूरी की पूरी टीम ने मुझे दिखाया, हालांकि मैं सोशल मीडिया में एक्टिव रहता हूँ और रात में मैं सभी चीजों को देख रहा होता हूँ। पूरे दिन में जो जो घटना हुआ उसको मैं पूरा रात में फॉलो कर रहा होता हूँ। तो मैंने अभी देखा यहाँ पर अभी आप लोग के क्लास के पहले अभी मणिपुर में जो दो लड़कियों का जो है मतलब बहुत ही बुरा, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है कि मैं क्या बोलूँ उनके बारे में। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ताकि आप पूरे केस को समझ पाएं और उसके बाद आपको डिसाइड करें क्या सही है क्या गलत है और क्या होना चाहिए था इस क्लास के स्टार्ट करने के पहले, क्योंकि एक सामाजिक बात है और मुझे लगता है कि जिस समाज में आप रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, इनके बारे में कहना भी ज़रूरी है, स्टेप उठाना भी ज़रूरी है ताकि आगे से ऐसा कभी ना हो। अभी जो हमारा मणिपुर का केस है, तो मणिपुर में जो है काफ़ी टाइम से हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद दो गुटों में, ठीक है, हिंसा चल रही थी, मैथी और करके कुर्की हैं, और उसी हिंसा के कारण लगभग 800 से 1000 लोग जो हैं वो करीब में 4 मई के करीब में एक छोटे से गाँव में पहुँचते हैं। और वहाँ के गांव में एक परिवार में 5 लोग थे और उनके साथ जो है वो उनका सामान लूट लेते हैं घर का और उनके साथ हिंसा करते हैं। किसी भी तरीके से वहाँ पुलिस पहुँचती है और उन लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भीड़ इतनी ज़्यादा संख्या में होती है कि वो भीड़ पुलिस से उन सभी लोगों को खींच के निकाल लेती है, जिसमें 3 महिलाएँ होती हैं और 2 पुरुष होते हैं। और इतना ज़्यादा वो भीड़ उस पुरुष को मारते हैं, दोनों के दोनों एक वृद्ध थे और एक 21 साल का लड़का था, कि उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और जो वहाँ से महिलाएँ होती हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल असॉल्ट होता है, यौन पीड़न होता है उनका, मतलब एक तरीके से पूरे लगभग 800 से 1000 लोगों की भीड़ उनके साथ गैंगरेप करती है, सोचिए। और उनको बिना कपड़ों के किलोमीटर तक, कई किलोमीटर तक जो है उनको दौड़ाया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है। और इतनी बड़ी भारी भीड़, अभी वीडियो पूरी वायरल हो रही है और पहली बार इसके ऊपर अभी मोदी जी ने भी बोला है और स्मृति ईरानी का भी, मैं अभी ट्वीट देख रहा था, अंजनम ओम कश्यप का भी ट्वीट देख रहा था। सोचिए घटना 4 मई की है और 4 मई के बाद कल से जब वीडियो वायरल होना शुरू हुआ है तब जाकर पुलिस ने इसके ऊपर, मणिपुर पुलिस ने ट्वीट किया है। एक तरफ हम उस मणिपुर को मैरी कॉम के नाम से भी जानते हैं जहां पर इतना मेहनत करके उन्होंने उस देश को गोल्ड मेडल तक जिताया, और एक वही मणिपुर अपने चंद नालायक लोगों की वजह से इस तरीके से भी जाना जा रहा है। बड़ा दुख हुआ उस वीडियो को देख के मुझे, तो मतलब दो गुट जिम्मेदार लगे, एक तो वो जिन्होंने इस काम को किया और दूसरा वो लोग मेरे भाई जो इसके ऊपर एक्शन भी नहीं ले पाए। दोनों के ऊपर चंद बातें हैं, मैं बातें बोलूंगा। पहली यहाँ पर कि जो वो 1000 लोगों की भीड़ थी, मतलब जिन्होंने उस औरतों को औरत नहीं समझा, लड़कियों को लड़कियां नहीं समझी, उनकी इज्जत की 1% भी यहाँ पर कदर नहीं की, और इतनी बेरहमी से शायद आज के समय इस कलयुग में इंसान इतना नीचे गिर चुका है कि इंसानियत उसके अंदर एकदम मर सी गई है, खत्म सी हो गई है, डूब सी गई है, उसको पता ही नहीं, उसको होश ही नहीं वो क्या कर रहा है। उसको 1% का भी ये बात फर्क नहीं पड़ता कि चंद पैसों की वजह से, चंद जमीन के प्रॉपर्टी और लड़ाई झगड़ों की वजह से हम अपने अंदर की आत्मीयता को इतनी ज़्यादा खो देते हैं कि अपने आप की इंसानियत को हम पहचान ही नहीं पाते। हम भूल जाते हैं कि शायद हम इंसान हैं, जानवर नहीं है, और ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। मतलब निंदनीय है पूरा का पूरा। आप सोचिए जिस तरीके से मैंने वीडियो देखा ना, आंखों से आंसू तक निकल आए, और अभी रूह हिम्मत हो नहीं पा रही है पढ़ाने की, हिम्मत हो नहीं पा रही अंदर से मैं कुछ बोल पाऊँ, क्या कह पाऊँ, 1% भी नहीं, ठीक है। जिस तरीके से उनको बिना कपड़ों के दौड़ाया जा रहा है, मारा जा रहा है, मतलब कहाँ से इतनी हिम्मत आई। और उसके बाद भी सोचिए, आज एक मोहल्ले में, एक घर में एक लाइट कट जाता है ना, पूरे मोहल्ले को पता होता है उस घर में बिजली नहीं आ रही है। और यहाँ पर इतना बड़ा अगर कहीं पर कांड होता है तो वहाँ के पंचायत को, वहाँ के समूह को, वहाँ के लोगों को, पुलिस को, प्रशासन को, सबको पता है, लेकिन 4 मई से लेकर आज 19 जुलाई तक है तब तक प्रशासन वो शांत रही, वहाँ का मुख्यमंत्री शांत रहा, वहाँ की महिलाएं शांत रहीं, जो महिलाएं वहाँ से चुनाव जीत कर आती हैं। शायद सरकार का फोकस इसी वजह से नहीं जाता क्योंकि मणिपुर एक छोटा स्टेट है, वहाँ पर उतनी ज़्यादा लोकसभा राज्यसभा सीटें नहीं हैं, वहाँ से चुनाव हम नहीं जीतेंगे, या वहाँ पर उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, तो जो हो रहा है होने दो। यहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी जिम्मेदार है मेरे भाई, जो हाई कोर्ट का जज है, जिसने फैसला तो सुना दिया और उसके फैसले के बाद वहाँ पर हिंसा हो रहा है, लेकिन वो चद्दर दाने सोरा बैठा हुआ है। हर एक वर्ग वहाँ जिम्मेदार है। इंसानियत इस लेवल मर चुकी है कि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है। हमारे केस में भी, दिल्ली में भी आपने देखा उस लड़की की जिस तरीके से चाकू मारकर हत्या हो गई, हम देख रहे होते हैं लोगों को कि वो कर रहे हैं, बस करने दो, हमारा देखना उनका मनोबल बढ़ाता है। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर आज के बाद कहीं पर भी ऐसा कुछ दिखे, कहीं पर भी आपको सुने, उसका विरोध करें, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, और ऐसे लोगों को एकदम, है ना, जिन लोगों ने ये घटना किया, भाई मेरा सरकार से अनुरोध है, विरोध है, मतलब अनुरोध है और अभी अनुरोध है, अगर आप ना करें तो शायद मेरा विरोध भी होगा, ये अनुरोध विरोध बदलने में देर नहीं लगेगा, ठीक है, कि जितने लोगों ने ये काम किया है
उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो और शायद भारत में जो सबसे ऊंचे लेवल की सजा है ना वो उनको दी जानी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि घर मतलब किसी महिला के ऊपर इस तरीके से अत्याचार करना क्या होता है। महाभारत में द्रौपदी का साड़ी खींचने पर पूरा महाभारत हुआ था और पूरा यहाँ पर जो है वंशज का नाश हो गया था, पांडवों ने सबके खात्मा कर दिया था। तो ये तो कलयुग में यहाँ पर दो लोगों ने क्या बोलूं मैं, मतलब बस सरकार से गुजारिश ही कर सकते हैं और अगर नहीं हुआ तो फिर बाद में विरोध भी होगा बस, ठीक है। बाकी आप लोगों से है कि जितना हो भी ट्वीट भी होगा और भी चीजें होंगी, ठीक है, इसका विरोध करें और ऐसी घटना जहां पर भी आपको दिखे, कल के दिन आप हमारे इंस्पेक्टर्स बनने वाले हैं, ऑफिसर्स बनने वाले हैं, आप भी अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो कृपया मौन करके ना रहें, क्योंकि आपका मौन शायद बहुत चीजों को बढ़ावा देगा, ठीक है। तो एक गुरु हूं मैं, एक पढ़ाने का भी मेरा धर्म है और इस बात को आपको सिखाने का भी मेरा धर्म है, ठीक है, क्योंकि कल के दिन आप अलग अलग थाने में सब इंस्पेक्टर्स ऐसे तौर सेलेक्टेड होंगे, तो आप कम से कम बाकी लोगों की तरह मौन धारणा ना करें और आप इसके ऊपर विरोध लेते हैं।